नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमिंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिमिंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है। इस बार जो हमारे जॉब अपडेट रहेंगे वो हिमाचल प्रदेश में जो वॉक इन इंटरव्यू निकालेगी है कुल्लू जिले में, उससे रिलेटेड ये अपडेट रहने वाले हैं। तो कौन से कैंडिडेटों के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू है, कैसे आपके लिए इसमें सिलेक्शन होगी, वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, किस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वॉक इन इंटरव्यू निकाली गई है, इसकी कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि बेल बटन ऑन नहीं करेंगे तो आपको ऐसे जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्प्लीट नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, ये जो वॉक इन इंटरव्यू है हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल रीजनल सेंटर है मोहल कुल्लू में, उनके द्वारा जो है ये निकाली गई है, जिसमें कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक, वेब पोर्टल डेवलपर की एक, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक, टोटल तीन पोस्टों के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू होने जा रही है। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू होगी आपकी 23 सितंबर को 10:30 बजे से शुरू होगी। तो इस वॉक इन इंटरव्यू में जो है दोस्तों, आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो Annexure 1 यानी कि इनकी PDF में जो है दिया गया है, जो आपकी जो अब आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप हमारी वेबसाइट www.him-india.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी वाटरमार्क मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, इसके साथ जो है अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप इंटरव्यू के दिन 23 सितंबर को अपने साथ लेके जाएंगे। तो जो इसके साथ आपको कॉपीज अटैच करनी है वो आप अपने साथ में वॉक इन इंटरव्यू के दिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, साथ में सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी अपने सभी सर्टिफिकेट की लेके जानी है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस भी होगा पब्लिकेशन, वो जो जो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो सभी कंसिडर किए जाएंगे। किसी प्रकार का TADA आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस की जा रही है कि वो अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें COVID-19 के कारण इस इंटरव्यू में। तो डेट हमने आपको पहले ही बता दिया है। वेन्यू जो आपका रहेगा वो कॉन्फ्रेंस रूम GB प्लांट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, हिमाचल रीजनल सेंटर मोहल कुल्लू, ये रहेगा। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो JPF यानी कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की रहेगी। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो आपको दिया जाएगा वो 20,000 पर मंथ, साथ में आपको HRA दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल के कम व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो मेन रहेगी, उसमें आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में, या फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, या इन्वायरमेंटल साइंस में, या बायो साइंस में होनी चाहिए। तो इसके अलावा डिजायरेबल में इन्होंने बताया कि प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा इकोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी, या अदर इन्होंने जो कंडीशन बताई है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट इसमें बहुत कम बताई गई है। 28 तो इसमें एज लिमिट ही है, तो 24-25 तक तो ईयर तक तो मैक्सिमम कैंडिडेट की मास्टर डिग्रियां कंप्लीट ही होती हैं। तो इतने कम टाइम में एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं कि सभी एस्पिरेंट्स के पास हो। तो आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड जरूर करें। तो यहाँ पे आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी बताई गई है कि आपकी क्या ड्यूटी रहने वाली है। इसकी कंप्लीट PDF भी आप दोस्तों हमारी वेबसाइट www.him-india.com से डाउनलोड करके आप रीड भी कर सकते हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है। हम लोग सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो वेब पोर्टल डेवलपर की पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक रहेगी। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें 35,000 रुपया पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। एज लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है, यानी कि 40 से जो कम आयु वाले हैं वही इस वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बात करें तो या तो आपके पास फर्स्ट क्लास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी कि MTech होनी चाहिए, या BTech होनी चाहिए, या MCA होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में। और जिनके पास इसमें MTech वगैरह है, मास्टर डिग्री है, तो उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप BTech, BCA, MCA वाले हैं तो आपके पास कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो डायनामिक वेबसाइट डेवलपमेंट में, या वेबसाइट होस्टिंग, या वेब सर्वर हैंडलिंग का होना चाहिए। इसमें जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा। तीसरी जो पोस्ट है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि आपकी 24,000 आपको पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। 35,000 से कम के व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस, या ओशनोग्राफी, या मेट्रोलॉजी, या एटमोस्फेरिक साइंस,
या रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की जिसके पास डिग्री हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उसी को ये कंसिडर करेंगे, और प्रेफरेंस इसमें भी जो है जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग में होगा उसको जो है ये प्रेफरेंस देंगे। एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी एससी एसटी वुमेन पीएचई या ओबीसी कैंडिडेटों को एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये दोस्तों हमारा आज का अपडेट था। ऐसे ही कुछ और जॉब अपडेट्स जब भी हम लोग आपको हमें मिलेंगे हम लोग आपसे शेयर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।